नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं सक्षम अखीजा आपको बताऊंगा कि मी बैंड एचर एक्सीडिशन और मी बैंड 2 आपको लेना चाहिए है कि नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके स्क्रीन पे मी बैंड एचर एक्सीडिशन शो हो रहा है, ये बैंड मैंने लगभग एक हफ्ते पहले लिया था अपने नियर बाई MS स्टोर से। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं इस बैंड की हालत क्या हो चुकी है, पूरी स्क्रीन इसकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आप देख ही सकते हैं इस बैंड का डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अच्छी तरह निकल नहीं रही। आप इसकी स्क्रीन भी देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह इसका ऊपर का कांच और पीछे के बैक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि ये बैंड मेरा कैसे टूटा है। तो दोस्तों जब मैं इस बैंड को इसमें फिट करके जब मैं चल रहा था तो पता नहीं अपने आप ही ये बैंड बहुत लूज है, बार बार गिरते रहते हो, तो अपने आप ही ये बैंड मेरा गिर गया, मुझे पता नहीं चला। तो दोस्तों आगे जाके जब मैंने देखा कि मेरा बैंड मेरे हाथ में नहीं है, तो जब मैं पीछे वापसी गया तो देखा मेरा बैंड ऐसे गिरा हुआ है और किसी ने गलती से उसके ऊपर पैर रख दिया। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं बैंड कैसा है। मी बैंड 2 में भी यही दिक्कत आ रही है। जो मी बैंड 3 एक्सियोमी ने अपना नया लॉन्च किया है, लगभग परसों ही लॉन्च किया है, तो वो बैंड आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मी बैंड 3 ले सकते हैं क्योंकि मी बैंड 3 में आपको यहाँ पे गैप मिलता है जो कि मी बैंड 3 के कैप्सूल में आपके यहाँ पे फिट हो जाता है, जिससे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे आपका बैंड भी नहीं निकल पाएगा। तो दोस्तों मी बैंड 2 भी आप मत लेना क्योंकि मी बैंड 2 में भी एचर एक्सीडिशन की तरह सेम मटेरियल यूज हुआ है, जिससे आपका मी बैंड 2 भी ऐसे निकल के टूट सकता है जैसे अब मेरा बैंड टूटा है। तो भगवान ना करे कल को अगर आपका बैंड ऐसे टूट गया तो आपको भी 2000 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा देना। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो आप मेरी वीडियो को सबसे पहले नहीं देख पाएंगे। तो ओके दोस्तों, मैं फिर आता रहूँगा इन वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।